राजनीतिक हलचल स्वाभाविक है कि नीतीश जी के महागठबंधन में लालू जी के रिश्तों पर हो रहा है। मीडिया में जिस तरह की बातें आ रही है, हम लोग भी उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले हैं नजर। अब जब गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि उतल पुतल जब होता है तो स्वाभाविक है कि इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव समाज पे होता है, राजनीतिक दलों पे होता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त राजनीतिक दल है बिहार का, वो भी अपने विधायकों के साथ कल भी बैठक हुई, आज भी हम बैठक करेंगे और बैठक की सिलसिला चलेगी। लेकिन निर्णय तो जब नीतीश जी की सरकार और लालू जी का गठबंधन, न लालू जी अभी इस्तीफा वापस लिए हैं, ये भी कहते ना कि समर्थन हम वापस लिए, तो वो भी नहीं कह रहे हैं, और नीतीश जी भी अभी इस्तीफा नहीं दिया है। तो हम भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक नहीं, हम मूक दर्शक नहीं बल्कि गंभीरता से इसको देख रहे हैं। जब परिस्थितियां स्पष्ट सामने आने पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। हम भी तो आपके मीडिया में देख रहे हैं, जब वो इस्तीफा देंगे तब आगे भारतीय जनता पार्टी भी सोचेगी इनको समर्थन देना है, क्यों देना है, इस पर बात होगी। मैं तो ये देखता हूँ, ये नौकरियां जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार थे सत्ता में, उस समय ये सारे जाल के इम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, लेकिन 21-22 में जब चले गए नीतीश जी तो स्वाभाविक है कि अभी की सरकार में ये नियुक्तियां हुई, नियुक्तियों में थोड़ा हेर फेर भी हो गया जो हम लोग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।